जैसे कि आज जी ने बताया कि यहाँ पे उन्होंने चारा लगाया हुआ है, तो कौन कौन से चारे हैं वो तो सभी हम अभी देखेंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो दिखा बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फूल वगैरह, तो आज जी कुछ इस सब के बारे में बताएं। अभी ये जो है ना, ये इसको नेवाड़ी बोलता है, नेवाड़ी। अच्छा ये नेवाड़ी का ये फूल जो बालों में गजरा लगाता है, अच्छा ये अच्छा इसका झाड़ है वो। ये हमने इधर लगाया है, वो बकरी मुर्गी इसके साथ हम गोदड़ी भी सिलाते हैं, हाँ, और ये भी इसके भी फूल का वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये गजरे में जा के लिए जाता है ये गजरे में फूल, जाता है वो। ये देखो ये झाड़। ये और एक पूरा ऐसे दिखा दीजिए हाँ, वहाँ से ऐसे घुमा के। कौन कौन से घास है अपने खेत में? अपने यहाँ मेथी घास है, मक्का है। अच्छा, तो ये मेथी घास के बारे में कुछ बताइए। ये मेथी घास एक बार उसका बीज डालेंगे ना, तो इसका महीना के डेढ़ महीने, 1.25 महीना, 1.5 महीने में पहले का एक काटने के काटने को लिए आएगा, हो जाएगा? अच्छा काटने को आता है वो। काटने के बाद पूरा हो जाए, काटने के बाद वो 15 3 हफ्ते में फिर वापस काटने को आता है। ये अच्छा बार बार काटने को आता है। अच्छा यानी कि अगर हम आज लगाते हैं मेथी हाँ घास हाँ तो ये 1.5 महीने के आसपास काटने के लिए तैयार हो काटने को जाएगा? आता है। हाँ आता हाँ, है। वो उसके बाद काटने के बाद से वो 15 दिन 3 हफ्ते मैं वो फिर उसको काट सकते हैं। काट सकते हैं। उसके वो बाद से बार बार हम काटने को, जितना कंटिन्यू जितना काटेंगे वो उतना वो ज़्यादा वो फैलता फैलता जाएगा। जाता है। अच्छा, तो ये फिर अभी चारा कितने दिन तक हम यूज़ कर मतलब रख सकते हैं इसको? ये 3 साल चलता है, 3 साल चलता है। तीन साल चलता है ये। देखिए ये मेथी घास एक बार लगाने पर 3 साल तक कोई परेशानी नहीं होती है इसमें? 3 साल तक चलता है ये, उसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं आता। ये जो घास, ये जो गवत रहता है, ये गवत इसको हम कैल्शियम गवत बोलते हैं। ये अच्छा, इसको अपनी काड़ी लगाते हैं, इसकी काड़ी बोलो तो हम दिखाते हैं इसकी काड़ी लगाने कैसे लगाते हैं वो। ये अभी पतला है, ये लगाने को नहीं आया, पर ये ऐसा 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 काट के ये ऐसा लगाते हैं। इधर ये लगाएंगे इतना, ये नीचे डालने का, ये नीचे डालने के बाद वो इधर वो मूली आती है और ऊपर वो ऐसा ये निकलता है। अच्छा ये जब ऐसा ये अभी ऐसा तो बहुत लगाते हैं, पतला है और थोड़ा सा मोटा हो जाड़ा जाएगा, जाड़ा होने के बाद, मोटा हो जाता हाँ है। मोटा होने का, तो ये जब लगाएंगे तो लगाने के बाद वो पहली कटाई एक महीना लगता है। 1 महीने में वो लगाने के बाद वो आता है काटने को। वो काटेंगे जब वो एक बार पहले काटेंगे ना तो ज़्यादा फैलता है, अच्छा, तो ये 15 दिन में कटने को, फिर दूसरी बार काटने के दूसरी बार लिए? काटने को 15 दिन 1 महीने में आता है। अच्छा अच्छा, अच्छा बड़ा होगा तो मैं 1 महीने में काटने को आता है। और ये जब खाने के भी बहुत पौष्टिक है, अच्छा जैसे और कि ये मेथी ठंडी में घास, ज़्यादा नहीं बढ़ता है? ये ठंडी में ज़्यादा नहीं बढ़ता, जैसे कि अच्छा मेथी घास जैसा खाने में जितना पौष्टिक है उतना ही ये पौष्टिक है खाने अच्छा, में। ये कैल्शियम घास है, ये कैल्शियम घास नहीं, गवत बोलते हैं इसको, गवत बोलते हैं? गवत बोलते हैं अच्छा, कैल्शियम। ये जो गवत है ये इसको ये गजरस बोलते हैं हम, गजराज। गजरस। तो इसका वो जो बड़ा लंबा होता है, उसका डंडी डंडी होने के बाद वो हाँ भी हाँ ऐसा, ये जैसा ये काटते इसको, हाँ जैसे लगाते हाँ हाँ जैसा। जैसे कैल्शियम का गवत लगाते ना, ऐसा ये गवत लगाते। अच्छा, तो पर जो इसको कैल्शियम गवत है ना उसको काटा रहता है, इसको काटे नहीं रहते। अच्छा। ये भी खाने को बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए ये गजराज गवत यानी कि इसे ही हाथी घास बोलते हैं, हाँ हाथी घास बोलते हैं, हाथी घास पर भी ये इसी। हाथी घास नहीं, ये इसको गजराजी बोलते हैं। अच्छा, ये अलग उसमें होता एक है, अलग अलग है, प्रकार है। आलस प्रकार है वो। अच्छा, ये गजराज बोलते हैं। हाँ और देखिए इसमें कांटे नहीं, ये सब इसको बहुत। काटे नहीं, ये सॉफ्ट रहता है। वो जो गजरज बोलते हैं ना उसको काटे रहते हैं, इसमें काटे नहीं रहते। अच्छा देखो अच्छा ये ये अच्छा है, फर्क है ये दोनों। अच्छा है, देखो ये ऐसा देखिए मुझे इसी पता इधर नहीं भी था। ऐसे ये पकड़ेंगे ना तो इसको हाथी काटे गवत नहीं ये रहते। जो हाथी होता गवत है में ना, काटे बहुत रहते, इसमें काटे नहीं है। अच्छा, ये गजराज और हाथी दोनों में फर्क है हाँ बहुत, इसमें कांटे इसको नहीं है। लगाने का मैं दिखाती हूँ तुमको कैसा लगाने का है। हाँ देखो हाँ ये देखो, ये मैंने सुबह लगाया है, ये सुबह लगाए। अभी एक ये लगाने का एक तरीका ऐसा रहता है, देखो ये ऐसा ऐसा ये करने का, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा लगाने का, ऐसा ये ऐसा लगाएंगे, ऐसा इकड़ू ना को इसको ऐसा ऐसा लगाएंगे, इसको पानी डालेंगे तो ये सूख जाता है। 8 दिन में वो
हरा भरा दिखता है, आ जाता है। हाँ, ये कितने दिन पर जैसे कि आपने कटाई वगैरह इसके इसके काटेंगे तो कम से कम 15 दिन के अंदर ही काटने को, फिर ऐसा ही आता है काटने को 15 दिन के अंदर। 15 दिन पे? हाँ। और पहले कटाई कितने दिन पर होता है? पहले कटाई हम 3 हफ्ते में किया था। पहले कटाई सिर्फ 3 हफ्ते में? 3 हफ्ते में। उसके बाद से फिर दूसरी कटाई 15 दिन में? 15 दिन में। हाँ। ये जो है ना, ये वाला, ये परसों का दिन काटा है, अभी देखो कितना बड़ा होगा। देखिए, सिर्फ परसों का काटा हुआ, अभी ये 15 दिन पर फिर तैयार हो जाएगा। और इसका जो जो ये है ना, उसका 1 रुपये कांडी। हाँ, बोलो तो उसका, हाँ, जो आता है लगाने के लिए, लगाने का वो जो बीज आता है ना, 1 रुपये, 1 रुपये आँख, 1 रुपये आँख में से। हाँ। ऐसा लाया था मैंने लगाने को। अच्छा, इसका जो लगाने के लिए लाया गया था। हाँ। जैसे कि कांडी बोलते हैं या आँख कहते हैं। हाँ। तो आँख 1 रुपये पड़ा था। हाँ, 1 रुपये में एक आँख पड़ा था। अच्छा, लगाने को। अच्छा। ये मेथी घास, वो कैल्शियम गवात और वो गजरत। उसके बाद ये मक्का जो है ना, ये मक्का भी हम डालते हैं वो बकरी को। अच्छा, बकरियों के लिए खासतौर पर मक्का? मक्का भी डालते हैं हम। अच्छा, तो अजी अभी इन लोगों को खाने में देने के लिए क्या क्या देती हैं, क्या उसका शेड्यूल रहता है? हम इसको सुबह 8-8:30 बजे छोड़ते हैं बाहर, शेड के बाहर हम छोड़ते हैं उसको। अच्छा। सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे छोड़ने के बाद उसको ये घास, मक्का, सुबह घास दिया तो दोपहर को मक्का देते, शाम को मक्का देते। एक दिन में मक्का, घास, एक दिन में कैल्शियम गवत, गजरज, ऐसा आई सब। अच्छा, यानी कि रोज अलग अलग, आज अगर कैल्शियम गवत दिया। हाँ। तो कल मेथी देंगे। हाँ। परसों वो मक्का देंगे, मक्का देंगे, ऐसा करके। हाँ। आप देते हैं सुबह में एक बार एक दिन एक चारा देने का, शाम को एक चारा देने का। उसके बाद उसको हम 11 बजे अंदर बांध देते। अच्छा। अंदर बांध देने के बाद उसको वो पानी पीते, इधर बादली भर के रखते, वो पानी पीते बाहर, हम ऐसा ही खुला छोड़ देते। वो खाने के बाद वो पानी पी के वो अंदर हम बांध देते। अंदर बांधने के बाद उसको हम, अच्छा, वो एक एक बर्तन भर के उसको हम गेहूं डाल देते। अच्छा, वो गेहूं डालने का टाइम कब रहता है? वो 11 बजे के बाद। अच्छा, वो 11 बजे के बाद गेहूं डालेंगे। गेहूं डालने के बाद वो हम ऐसे ही छोड़ जाते, बस बाद में 4 बजे आके उसको फिर वापस छोड़ देते। फिर छोड़ने के बाद हम मक्का डालते, कुछ मक्का डालते या गजरत डालते या कभी कभी कैल्शियम गवा डालते, ऐसा हम उसको खाने में देते। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा कि आज जी सारा जो शेड है बकरी का, जो सारा मैनेजमेंट खुद देखती हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बकरियों के लिए चारा। तो सचमुच आज मुझे देखकर ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि आज जी इतना सब कुछ इस उम्र में हैंडल करती हैं। हम खुद नौजवान लोग कई तरह के बहाने करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, मुर्गी फार्म नहीं हो सकता, बकरी पालन में बहुत मेहनत है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि हाँ या ये कितनी गलत है। तो सचमुच आज जी एक हम लोग के लिए एक इंस्पायर करने के लिए पर्सन है। तो मैं आज जी को ऐसे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद आज जी। जो और दूसरी बात कि आज जी ने इतना समय निकाला, अपने कीमती समय में हमें समय दिया। और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।